हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज है संडे, मैं संडे का आज फिर ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, और टाइम भी मिलता है तो फैमिली रहने के बाद कुछ बात ही अलग है ब्लॉग बनाने में। आज अभिषेक जी भी आए, कल ही आए थे रात में, देखिए अभी रेडी हो रहे हैं। अभी हम लोग नाश्ता नहीं किया, बस पूजा वूजा करके तैयार हो गए। मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता मैंने बना दिया है, आज सादा नाश्ता मैं बनाई हूँ। रोटी, भिंडी का भुजिया और आलू का भुजिया, और साथ में मैगी भी। मेरा बेटा बनाता है मैगी, बहुत बढ़िया। अर्जित, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। आज मैं फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। आज दिन भर का ब्लॉग मैं दोस्तों शूट करूंगी, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में मेरा कंटिन्यू। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि आया है संडे। अभिषेक जी के साथ ब्लॉग बनाने में कुछ और ही बात। हाँ दोस्तों, आज मौसा जी आए थे केला का गाछ लेके, मंगवाई थी केला का गाछ क्योंकि मैं पूजा करती हूँ, तो उसको मैं जा रही हूँ भी लगाने के लिए। उसको पहले अच्छे से कोड़ लेते हैं, इसी में डाल के लगाएंगे। बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं दोस्तों। केला का पेड़ तो हर घर में होना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारा चींटी है। बरसात का मौसम है ना, कुछ कोई भी पेड़ लगाइएगा तो लग जाता है बड़े आराम से बरसात के दिनों में। अच्छा, पहले बीच में गड्ढा करेंगे, उसके बाद फाड़ना। चाकू लेकर फाड़ देते हैं बीच से, उसके बाद कीड़ा इस तरीके से लगाए। आज मौसा जी बहुत सारा चीज का पेड़ लेके आए, क्या क्या लगाए? एलोवेरा का लेके आए हैं, करी का गाछ लेके आए हैं, और भी और क्या लेके आए हैं, और केला का पेड़। जब भी कोई पेड़ मंगवाने का होता है तो मैं वहीं से मंगवाती हूँ दोस्तों, क्योंकि मौसा जी बहुत सारा पेड़ लगा के रखे हैं घर पे, पेड़ पौधा सब्जियाँ बहुत सारा उगा लेते हैं वो गमला में ही। मैं जाऊँगी उनके यहाँ तो कभी दिखाऊँगी आप लोगों को उनका गार्डनिंग कैसे बहुत मस्त तरीके से करते हैं वो। छोटे से जगह में बहुत सारा सब्जी भी उगा लेते हैं और फूल फल, वहीं से जब भी मंगवाने का रहता है तो मैं वहीं से मंगवाती हूँ, फूल हो या फिर कोई चीज़ का भी पेड़। देखिए इसको लग देंगे साइड में, इसमें थोड़ा सा भी पानी डाल के छोड़ देंगे और इसमें लगाएंगे एलोवेरा का। ले आओ एलोवेरा वाला, इसको भी अच्छे से कोड़ लेंगे मिट्टी को। या इसका निकल गया, इसको भी कोड़ लेंगे और हाथ से गड्ढा कर लेंगे, इसमें डालेंगे एलोवेरा का पेड़। साइड से मिट्टी डालेंगे, बैलेंस हो जाए। इसमें पानी लेके फिर से पानी डाल दो, इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि मिट्टी में बहुत सारा नमी है ही, बारिश में तो भीग ही जाता है बारिश होने पे। ऐसा इसमें भी डालें, ये मिट्टी गीला है। और ये देखिए करी का पेड़ है, ये भी लगाए वहीं से जमालपुर से ही लाके, मौसा जी ही लेके आए थे। अभी छोटा है, बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों गार्डनिंग करने में। देखिए दोस्तों लग गया, ये केला का और ये एलोवेरा का और ये करी का। अब ये बड़े हो जाएंगे, दोस्तों देखिए मेरी दीदी भी नहा धो के रेडी हो गई है। ये सारा ही बात करेगी क्योंकि ये बोल नहीं सकती है, बोलिए खाना खा लिए।
इशारा में जितना बात कीजिएगा अच्छे से कर लेती हैं ये। आराध्या भी आज लेट से जगी है क्योंकि आज है संडे, इसी वजह से अभी सब नहा धोके सब रेडी हो गए। इसमें जा रही हूँ अब, आज फिश बनाऊंगी, मैंने आज फिश लिया है तो मैं आज फिश बनाऊंगी। आप लोग बने रहिए वीडियो में। आराध्या नाश्ता कर लो, नाश्ता किए क्या? आइए दोस्तों खाने के लिए, आप लोग भी लोग नाश्ता कर रहे हैं। मेरा बेटा नाश्ता कर लिया है। देखिए आज आरती बना रही है फिश, ये सब पूरा तैयारी कर ली है क्योंकि किचन में तो बनता नहीं है, इसीलिए ये अलग से स्पेशल एक छोटा सा चूल्हा के साथ चम्मच ये बना रही है, सबको मिक्स करेगी अभी। सप्ताह में दो दिन बनाते हैं, जब अभिषेक जी आते हैं तभी बनता है। वीकली प्रोग्राम होता है, मेरा बेटा बेटी खाली फ्राई पीस ही खाता है। नहीं अब तो खाने लगा थोड़ा, पहले तो कुछ भी नहीं खाता। ये देखिए लहसुन का पेस्ट, हल्दी और धनिया, लहसुन अदरक, मिर्ची पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट है, धनिया का पाउडर है, मिर्ची पाउडर, बस पानी डाला। स्पेशल बाजार में ऐसा फिश बनता नहीं है, कहीं खाते आप नहीं हम। कैसे बनाते हैं बताइएगा कमेंट करके, बहुत सारे आदमी तो खाते भी नहीं है, जो खाते हैं उसके लिए मैं बोल रही हूँ। आइए आप लोग खाने के लिए, नीचे जो शुद्ध शाकाहारी हैं उनके लिए मैं बहुत सारा डिश बनाई हूँ, आप लोग वो जाके देखिए मेरे चैनल पे। ये देखिए सरसों का तेल डाल दिया गया है, सरसों के तेल में ही लगती है चावल का। अभी जाना है मार्केट भी, जल्दी जल्दी करके इधर चावल भी चढ़ाया किचन में। तो वॉल्यूम कम कर दीजिए गैस का। बहुत अच्छा लगे खाने में, खाओ ना फ्राई वाला। पापा भी बोलो खाएंगे पीस। बहुत टाइम लगता है मछली बनाने में, माथा का दर्द, हजम को जाना है मार्केट भी, यही कह रहा है। दोस्तों मैं अभी जस्ट मार्केट से आई हूँ, बहुत लेट हो गया मार्केट में, कुछ काम था इसीलिए जाना पड़ा। अभिषेक जी मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का आज मैच देख रहा है, इंडिया पाकिस्तान का आज मैच दे रहा है, वही देख रहे हैं। मैं खाना अभी नहीं दी हूँ किसी को, खाना बना के मैं चली गई थी बाजार, अब मैं खाना जा रही हूँ निकालने के लिए। चावल और मछली मैंने आज बनाया है, निकाल देती हूँ खाना क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है। देखिए मेरा कितना अच्छा मछली बना है, जो जो मछली खाते हैं नॉनवेज खाते हैं उसके लिए ये मेरा मछली है, जो नॉनवेज नहीं खाते दोस्तों उसके लिए मैं क्या बोलूँ। ऐसे मेरा रेसिपी डाला हुआ है फेसबुक पे मछली का,
दो पीस दे दें। दे दीजिए। बहुत ही जबरदस्त मछली लग रहा है देखने में। मछली करी और बहुत सारा, बच्चे लोग बहुत सारा जो है फ्राई वाला ही खाए थे। चलिए आइए आप लोग भी खाने के लिए दोस्तों, फिश चावल। चलो आज देखिए दोस्तों हम लोग का खाना निकल गया है, मछली चावल सलाद। आइए आइए जल्दी खाने का, बहुत डिलीशियस लग रहा है। है तो लगेगा, इंडिया पाकिस्तान मैच के साथ तो ये तो जबरदस्त। आइए दोस्तों आप लोग भी खाने के लिए, आइए देखिए कैसा। इसका मटन ज्यादा लग रहा है, साथ भी मैच का मजा दुगना हो जाता है, पूरे फैमिली के साथ देखना और भी मजा आ जाता है। सलाद में नींबू पूरा डालो। आइए आइए दोस्तों खाने के लिए आप लोग, जो नॉनवेज खाते हैं जो नहीं खाते हैं। इसी की वजह से और लाइट नहीं है, अभी अभी बारिश छूट गई है, बारिश नहीं हो रही है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी दोस्तों।